हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाय 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 नितिन गडकरी, हाय हाय दीवार वाला फ्लाईओवर का काम बंद करो, बंद करो, बंद दीवार वाला फ्लाईओवर का काम बंद करो, नरवाल सैनिक कॉलोनी के फ्लाईओवर का काम बंद करो, पिलरों के ऊपर फ्लाईओवर बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, फ्लाईओवर पिलर्स के ऊपर फ्लाईओवर बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ। तो सर क्या कहेंगे आप यहाँ पहुंचे? देखिए आज हम यहाँ पे बड़े दुखी दिल के साथ आए हैं कि केंद्र की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है वो काम करने का ढंग हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे नरवाल में, सुंजवा में, कुजवानी से लेकर के आज नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने साफ कह दिया है कि नितिन गडकरी जी की तरफ से कोई भी लिखित में कुछ भी नहीं आया है, नंबर एक। नंबर दो उनका कहना है कि ये फ्लाईओवर जो है ये ब्लाइंड दीवार के ऊपर ही बनेगा और ये सिर्फ यही नहीं कुजवानी से लेकर के नगरोटा तक जाएगा, यानी कि नगरोटा तक सारे कारोबार, शोरूम, गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर तमाम तबाह हो जाएंगे और कारोबार करने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। आज हम नितिन गडकरी जी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो फोटो सेशन करके जम्मू के लोगों को कुछ आपने जो फोटो सेशन किया, आज तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी जो है वो कह रही है हमें कोई लिखित में आदेश नहीं आया, और उनका ये भी आरोप है कि ये DPR पहले की बनी हुई थी, हमें तो काम करने के लिए कहा गया है कि इस फ्लाईओवर को ब्लाइंड वॉल के ऊपर खड़ा किया जाए और नगरोटा तक ले जाया जाए सिद्रा से लेकर के, इसका मतलब वो बत्रा हॉस्पिटल्स जो वहाँ के शोरूम आगे ही यहाँ पे सिद्रा में शिफ्ट हो रहा है, रायका में हाई कोर्ट वहाँ जानीपुर से, तो आगे ही यहाँ पे पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम है, प्रदूषण की भी प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट की भी खतरा बन चुका है। तो जब ये ब्लाइंड वॉल आप खड़ी कर देंगे, ये बठिंडी, नरवाल, सुंजवा, सिद्रा, तो हवा कहाँ से आई जाएगी, बड़े बड़े शोरूम तो तबाह हो जाएंगे, डर इस बात का है। आपने पहले हमारा दरबार मूव रोक दिया, कारोबार व्यापार बर्बाद कर दिया, आपने उसके बाद नोटबंदी की, फिर यही नहीं हम ये कहेंगे कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो है ये घर में बैठ करके सलाह तो करे, क्योंकि आप नितिन गडकरी जी से मिले, नितिन गडकरी जी की तरफ से कोई लिखित में ऑर्डर नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के चेयरमैन ने बोल दिया कि कुछ नहीं आया हुआ, आपने पहले अपने घर में फैसला कर लीजिए, क्योंकि आपने पहले घर में फैसला किया तो जम्मू के ऊपर दरबार मूव बंद हो गया, आपने घर में बैठ करके फैसला किया, कोई समर्थन नहीं किया तो व्यापारियों का कारोबार दरबार मूव की वजह से बंद हो गया, आपने कोई फैसला अपने घर में नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो जम्मू में स्मार्ट मीटर लग गए, रिचार्ज वाले मीटर लग गए, प्रॉपर्टी टैक्स लग गए, दरबार मूव बंद हो गया, कारोबार ठप हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई और टोल प्लाजा टोल टैक्सेस भी डबल कर दिए गए। लेकिन इसलिए आपका घर में बैठना बेहद ज़रूरी है और ये फैसला लेना ज़रूरी है कि क्या जिस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये कहा है कि ये जो है ये फ्लाईओवर जो है ये दीवार के ऊपर ही बनेगा और वहाँ कुजवानी से लेकर के नगरोटा तक जाएगा, यानी कि पूरे जम्मू का होलिया ही आप बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग, कितने रेड़ी फड़ी वाले जो लोग हैं, अरे रेड़ी फड़ी वालों को छोड़िए, करोड़ों रुपए का व्यापार, मेरे मित्र, ये कहाँ गई इनकी गारंटी? तो सड़क पे ठेला लगाते हैं वो कहाँ जाएंगे? अरे वो उनका भी सोच लेंगे, पहले उनका सोचिए जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए का यहाँ पे शोरूम खोले हुए हैं, गाड़ियों के वेव मॉल्स खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल्स खुले हुए हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनका क्या होगा, कारोबार है उनका क्या होगा, ये सोचिए। आप यहाँ पे फोटो सेशन की, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी का कहना है कि फोटो सेशन हुई है, हमें तो अभी तक कोई लिखित में ऑर्डर नहीं आया है और हमें तो ये कहा गया है कि ये DPR बनी है, इसके ऊपर आप काम शुरू कर दीजिए, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी पहले का, और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये फ्लाईओवर जो है ये वहाँ कुजवानी से नगरोटा तक। तो हम आज यहाँ पे मुआयना करने आए थे और यहाँ के दुकानदार और व्यापारी यहाँ पे धरने प्रदर्शन करना शुरू हो गए हैं हमें देखते ही, लेकिन हम इनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे।
और ये जो मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, मोदी जी की गारंटी, आज मोदी जी की गारंटी हम नितिन गडकरी द्वारा दी गई गारंटी को फेल होता खुद देख रहे हैं, जब नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने ये साफ कह दिया है कि जम्मू में यहाँ पे जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा वो बंद दीवार के ऊपर बनाया जाएगा।